हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा क्लास टेंथ का चैप्टर 3 का लेक्चर 3 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कंसिस्टेंट इक्वेशन एंड इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। उसके लिए पहले आपको जो लास्ट क्लास में मैंने आपको टेबल बताई थी, वही टेबल के थ्रू मैं आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बता रही हूँ, ताकि पिछला कॉन्सेप्ट भी रिकॉल हो जाए और आज के कॉन्सेप्ट को आप उसके साथ कनेक्ट कर। वी ऑलरेडी डिस्कस इफ ए वन अपॉन ए टू डज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, इट मीन्स लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एंड एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। इफ ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, कोइंसिडेंट मैनी सॉल्यूशन। एंड देन ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू डज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, पैरेलल लाइंस नो सॉल्यूशन। तो इनका कनेक्शन क्या है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट से? जो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है, यानी कि वन सॉल्यूशन है या मैनी सॉल्यूशन है, ये दोनों सिचुएशन किसकी हैं? आपकी कंसिस्टेंट की, कंसिस्टेंट इक्वेशन। अगर ये सिचुएशन है तो आपकी इक्वेशन कैसी है? कंसिस्टेंट, यानी कि आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। बट अगर आपकी लाइन पैरेलल है तो आपका नो सॉल्यूशन है, और यू कैन ऑल्सो से दिस इज द सिचुएशन ऑफ इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। क्लियर है? अगर आपका वन सॉल्यूशन है या मैनी सॉल्यूशन है कंसिस्टेंट, और पैरेलल है नो सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे क्वेश्चन इसी के बेस पे। ऑन कंपेयरिंग द रेशो ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू सी वन अपॉन सी टू, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन को हाइड कर देती हूँ। पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कंपेयर करके। सबसे पहले क्या कंपेयर करना है? ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। भाई अगर ये दोनों ही डज नॉट आ गए तो तीसरा कंपेयर करने की नीड ही नहीं है। ए वन इक्वेशन में जो एक्स का कोफिशेंट है, ए टू जो दूसरी इक्वेशन में एक्स का कोफिशेंट है, बी वन जो वाई का कोफिशेंट है, बी टू जो दूसरी इक्वेशन में वाई का कोफिशेंट है, ए वन थ्री ए टू टू बी वन टू बी टू माइनस थ्री। क्या आ रहा है? डज नॉट इक्वल टू, डज नॉट इक्वल है, इसका मतलब क्या है? इक्वेशन, इक्वेशन कैसी हो गई? कंसिस्टेंट इक्वेशन। और यू कैन से वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, और इक्वेशन कैसी हो गई? कंसिस्टेंट इक्वेशन। लाइन कैसी हो गई? इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। सी, इसको हाइड कर देते हैं। ए वन अपॉन ए टू, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। ए वन क्या है? टू। ए टू क्या है? फोर। बी वन क्या है? माइनस थ्री। बी टू क्या है? माइनस सिक्स। टू वन जा टू, टू टू जा फोर, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स। ऊपर नीचे का माइनस माइनस कैंसिल, इक्वल आ गया, तो थर्ड भी आपको चेक करना पड़ेगा। ये आ गया वन अपॉन टू, और ये भी क्या आ गया? वन अपॉन टू। थर्ड इक्वेशन आपको बताया था इधर आके यूज़ करना है, यानी कि इक्वेशन को हमेशा किस फॉर्मेट में यूज़ करना है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो आप ओरली देख सकते हैं, उधर प्लस एट है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस एट। उधर क्या है? प्लस नाइन है, इधर आके माइनस नाइन। माइनस से माइनस कैंसिल, एट बाय नाइन, यानी कि क्या आ गया? डज नॉट। ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू डज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। अगर डज नॉट आ जाता है, इट मीन्स लाइन कैसी है? पैरेलल लाइन है। लाइन पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन है, और इक्वेशन कैसी है? इनकंसिस्टेंट।
inconsistent equation. क्लियर है इतना? पैरेलल लाइन है, नो सॉल्यूशन है, और इक्वेशन कैसी है? इनकंसिस्टेंट. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. आई होप आपको समझ आ रहा होगा. क्वेश्चन सिंपल है, आपको वो टेबल पता है जैसे समझाइए, इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. A1 upon A2 इज इक्वल टू B1 upon B2. मैं आपको बार बार कह रही हूँ, पहले दो को ही कंपेयर करना, नीड होगी तो थर्ड को यूज़ करेंगे. A1 क्या है? 3/2. A2 9, उसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लेते हैं. B1 है 5/3. B2 कितना है? -10, उसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 लगा लेते हैं. क्या बन जाएगा ये? 3/2 × 1/9. नीचे वाला ऊपर चला जाता है और दोनों साथ में हो जाते हैं. सेम फंडा यहाँ पे, 5/3 × 1/-10. 3 × 3 = 9, 5 × 2 = 10. 1/6 = -1/6. क्या आ गया? डज नॉट. क्या आ गया हमारा? डज नॉट. एक प्लस है, एक माइनस है, दोनों नंबर सेम है, बट एक पॉजिटिव नंबर है और दूसरा क्या है? नेगेटिव. डज नॉट है, इसका मतलब क्या है? वन सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन, और इक्वेशन कैसी है? कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट इक्वेशन. क्लियर है? कैसी इक्वेशन है? कंसिस्टेंट इक्वेशन. ऑल क्लियर? ठीक है, तो इसी तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4. अगेन A1 upon A2 = B1 upon B2. पहले दो ही चेक करना है, 5/-10, देन -3/6. 5 × 5, 5 × 2 = 10. 3 × 3, 3 × 2 = 6. -1/2, और ये भी क्या आ गया? -1/2. यानी कि थर्ड को भी हमें चेक करना पड़ेगा. थर्ड क्या है? प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस. उधर -22 है, इस साइड आके क्या हो जाएगा? +22. 11 × 11, 11 × 2 = 22. ये भी क्या आ गया? -1/2. A1 upon A2 = B1 upon B2 = C1 upon C2. तो लाइन क्या है? कोइंसिडेंट है, मैनी सॉल्यूशन है, और इक्वेशन किस टाइप की है? कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट इक्वेशन. क्लियर है अच्छे से? ऑल क्लियर? इस तरह से आपने करना है. लास्ट पार्ट आपके लिए छोड़ रही हूँ, ये आपका होम टास्क है, आपने सॉल्यूशन करना है. नहीं आएगा तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं. क्लियर है? चलिए, आई होप आज का सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा हो. दोस्तों, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो हमारे सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए. अगर आपके पास कुछ स्पेसिफिक डाउट है या किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप अपना सजेशन, अपना डाउट हमारी मेल ID doubt.cst@gmail.com पर भी सेंड कर सकते हैं. नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.